स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीब और गरीब हो गया। जिस घर में 100 रुपया से 90 रुपया बिजली बिल आता था, उसमें मोटा मोटी वह बिजली बिल मोटा मोटी 1000 से 1200 रुपया आने लगा। गरीब के बीच में एक दिन बिता करके देखिए, उस झोपड़पट्टी के देखिए, जिसकी दैनिक मजदूर 200 से 250 रुपया होती है, मंथ में 20 दिन उसका काम मिलता है, 15 दिन काम मिलता है, वो अपना दाल रोटी चलाएगा कि आपका बिजली बिल भुगतान करेगा। अगर बिजली बिल कट जाती है तो उसका अंधेरा में रहना पड़ता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में स्मार्ट मीटर लग चुका है और भी कुछ जगह जो बचा हुआ है स्मार्ट मीटर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अब स्मार्ट मीटर का विरोध राजद करेगी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है वो 1 तारीख से पूरे बिहार में जो है प्रखंड स्तर में जाकर आंदोलन करेगी इसको लेकर। देखिए कि इसमें एक बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जहां अधिकारियों को बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के बारे में बताने के लिए कि स्मार्ट मीटर अच्छा है, वहीं राजद का विरोध हो रहा है। ऐसे हम जनता के बीच में आए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में है, कुछ लोगों से जानेंगे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। का क्या नाम है? नुकसान खड़ा है। अच्छा, स्मार्ट मीटर लगा है, इससे कितना फायदा है? घटा है। क्या हुआ? बहुत बिल कट रहा है, जलता 10 रुपया का कटता 25 रुपया। हाँ, तो 50 रुपया कटिए रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है सब। हाँ, अभी हम लोग के 99 रुपया बिल गिरता था कि अभी साला 700-800 रुपया गिर रहा है बिल। हाँ, कैसे नहीं है, बहुत है बिल, इतना बिल नहीं होना चाहिए। गरीबी सूचित में इतना होना चाहिए, इतना बिल गरीबी सूचित में गिर रहा है और इसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं कोई समाज बीते सरकार इतना नहीं कर रहा है और जो भी बेचे पार्टी है और भी इसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं, इसका निदान की कोई प्रक्रिया सुधर। बिल्कुल, तो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। स्मार्ट मीटर से कितना संतुष्ट है? नहीं, हम पूरे तो संतुष्ट नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप वहाँ बैठे हुए हैं, स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीब और गरीब हो गया। जिस घर में 100 रुपया से 90 रुपया बिजली बिल आता था, उसमें मोटा मोटी वह बिजली बिल मोटा मोटी 1000 से 1200 रुपया आने लगा। अब घर इतनी महंगाई के बीच में 1200-1500 किसी गरीब का बिजली बिल आ जाए तो बच्चा क्या पढ़ाएगा और क्या खुद खाना खाएगा और बिजली जलाएगा, क्या खाएगा? ये बच्चा, ये गार्जियन जिसके 1500 से 2000 बिजली बिल आना शुरू हुआ, वह बच्चे वह परिवार एकदम दहशत में है। ये मीटर नहीं, ये गला काट लगाया गया है। इस गरीब को गला काटने में लगा हुआ है सरकार। सरकार अगर नहीं चेती तो जनता उनको वोट के माध्यम से, जनता आंदोलन के माध्यम से, जनता विरोध के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेगा, प्रदर्शन करने का काम करेगा और विरोध करने का काम करेगा। सरकार तो कह रही है कि स्मार्ट मीटर काफी अच्छा है, लोगों को इससे फायदा हुआ है। हाँ, जब स्मार्ट मीटर की प्रोविजन आया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अब लगता है कि लाइन समय पर आएगा, समय पर जाएगा। हाँ, ऐसा हुआ कि लाइन जब स्मार्ट मीटर लगा तो लाइन समय पर होता है, ये नीतीश कुमार का हम सब धन्यवाद देंगे, लेकिन मीटर लगने के बाद इतनी उनकी फास्ट बिलिंग आती है। अब तो हम लोग को जैसे 300 रुपया आता था, लेकिन हमको तो अब ये 4 से 5 हजार रुपया बिजली बिल आता है। और 5 हजार? हाँ, मेरा बिजली 4 से 5 हजार रुपया आता है और उसमें हम बच्चा पढ़ाने का काम करेंगे कि खाने का काम करेंगे कि बिजली बिल के देने का काम करेंगे। हम तो पूर्वदर्शित हो गए हैं। कभी कभी जीवन में इतनी महंगाई होते हुए कभी कभी लगता है कि हम लोग आत्महत्या करें। ये गरीब को हत्या की नहीं, ये हत्या की जाती है, इनकी मानसिक हत्या की जाती है, इनकी आर्थिक हत्या की जाती है। माननीय नीतीश कुमार जो बिजली विभाग के मंत्री बिजेंद्र यादव जी हैं, उनको भी चेताया जाएगा कि आप एसी में बैठ करके आप जो स्मार्ट मीटर ये जनता गरीब के जनता के बीच में लगाए हैं, कभी सर्वे कराने का काम नहीं किए, कभी गरीब के यहाँ देखने का काम नहीं किए, एसी में बैठ करके जो भाषण देते हैं वो आप बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए, यहाँ आइए और गरीब के बीच में एक दिन बिता करके देखिए, उस झोपड़पट्टी के देखिए, जिसकी दैनिक मजदूर 200 से 250 रुपया होती है, मंथ में 20 दिन उसका काम मिलता है, 15 दिन काम मिलता है, वो अपना दाल रोटी चलाएगा कि आपका बिजली बिल भुगतान करेगा। अगर बिजली बिल कट जाती है तो उसका अंधेरा में रहना पड़ता है। और ये जहाँ जो हम लोग खड़े हैं वह एक विलेज है, गांव है, और गांव में सांप का दंश भी होता है,
जब अंधेरी रात होगी, जब लाइन नहीं होगा, तो सांप दंश से यहाँ भी एक प्राकृतिक क्या कहते हैं कि वो हम लोग को आपदा आ जाता है, किसी का सांप काट ली जाती है, कोई मर जाते हैं, तो क्या करेगा गरीब। इससे बढ़िया है कि आप लोग जहर ला करके दे दीजिए पूरे गरीब को, मर जाए, गरीब नहीं बचेगा, सिर्फ अमीर बचेंगे। और सरकार में एसी में बैठे लोग जो 1.5-2 लाख रुपए के तनख्वाह पा रहे हैं, पदाधिकारी लोग एसी में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी गाड़ी से चलते हैं, उन लोग के लिए इस बिहार को रहने दीजिए, गरीब को मार दीजिए। गरीब मरना ही तय कर समझता है, क्योंकि आप बिजली बिल एक ऐसा बीमारी लाए, वो बहुत बड़ा कैंसर है, उस कैंसर को चेतिया नीतीश कुमार जी, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा, सरकार आपकी चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो देखिए कि लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि 1 तारीख से बता दें कि राजद का जो पूरे बिहार में आंदोलन होना है, राजद आक्रोश में जाएंगे। बिजली बिल कितना आ रहा है, बिजली बिल से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हाँ, क्या होता है? बहुत काफी आ रहा है जरा। अच्छा, अभी स्मार्ट मीटर लग गया, जितना यूज करिएगा उतने ना बिल देना होगा। यहाँ कमाने वाला एक बड़ा रहेगा। पहले तो था ठीक, जब से लगा, जब से बहुत ज्यादा बिल आता है, जब सुधार नहीं पाता है आदमी, जब से स्मार्ट मीटर तब से। हाँ, सुधार नहीं पा रहा, पहले से भी गिरा हुआ है पैसा, उसमें जलाया ना जलाया, लेकिन 200 रुपए 100 रुपए डेली लगता है सारा। बिल्कुल, तो हम कुछ और भी इलाके में जाएंगे, वहाँ के भी लोगों से जानेंगे कि आखिर में जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को कितनी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, उनको कितना फायदा हुआ। हालांकि सरकार जो है स्मार्ट मीटर का फायदा गिना रही है लगातार, और वहीं राजद की बात करेंगे, जहां विपक्ष की बात करेंगे, तो इसको लेकर राजद 1 तारीख से आंदोलन पर उतरने जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है स्मार्ट मीटर और बिजली बिल को लेकर बिहार में। कहीं लोग आक्रोश में है तो कहीं लोग इसे खुशी भी मना रहे कि स्मार्ट मीटर काफी ज्यादा अच्छा है, तो वहीं लोगों में विरोध भी है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। बन रही फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।